मेरे मार्गदर्शन में यहाँ पर हिंदी की पढ़ाई हो रही है और मेरे साथ मेरे जो सहयोगी हैं जो अपूर्वा बनर्जी और प्रशांत त्रिपाठी जी हैं और हम जो है एक हमने एक ऐसा कोर्स बनाया है इनको पढ़ाने के लिए एक स्पेशल कोर्स बनाया है और अभी एक महीने से इनकी पढ़ाई शुरू की है और ये ASF के स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका से प्रतिवर्ष भारत में भेजे जाते हैं। जो हिंदी बहुत पसंद है। हिंदी पसंद है, आप कहाँ से आए हैं? मैं ओरेगन से आई हूँ। आपको हिंदी लिखना, पढ़ना, बोलना या सुनना क्या अच्छा लगता है? सब सब अच्छा लगता है। मैं बॉलीवुड के नाम है। नहीं ओके। फिर कोई और कविता गाई है हिंदी की? क्या नाम हिंदी में? जी मुझे हिंदी पसंद है, इसलिए एक साल भारत में एक अच्छी विधि समझना है। इन लोगों को ऐसी यूनिवर्सिटी शिकागो में, उन लोगों को ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा हिंदी पढ़ने के लिए जहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है और कुछ ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर जो कि भविष्य में हिंदी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैम आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं तो इन बच्चों का पहला दिन कैसा रहा आपके साथ? हमारे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण था क्योंकि कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी आशंकाएं थी कि हम जैसा वो चाह रहे हैं वैसा कर पाएंगे या हमें अंदाज़ लगाना थोड़ा सा कठिन था कि उनका स्तर क्या है। पर अच्छी बात ये रही, पक्ष में हमारी ये बात रही कि इन्हें सामान्य तौर पर इस तरह से तैयार करके भेजा गया था तो मानसिक रूप से ये तैयार थे कि हमें हिंदी सीखनी है। तो जब हमने वर्णमाला से शुरुआत की तो बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला क्योंकि इन्होंने जल्दी इस चीज़ को ग्रास्प किया, इनका ग्रास्प भी अच्छा रहा है। फिर हम मात्राओं पर आए और धीरे धीरे फिर शब्द और वाक्य ये सिलसिला बना। जैसे मैंने अभी अंदर देखा कि आप त्योहारों के अनुसार उनसे कुछ बनवा भी रहे तो आप और क्या क्या प्रयोग किए हैं अभी तक? देखिए हमारा ऐसा मानना है कि पुस्तकीय ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान उपयोगी होता है, बच्चों की रुचि बनी रहती है और इनको इन्हें सिर्फ भाषा का ज्ञान नहीं देना, इन्हें भाषा के साथ साथ भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, साहित्य, इसकी भी हमें साथ में थोड़ी थोड़ी जानकारी देनी। तो हम चीज़ों को दैनिक जीवन से जोड़कर चलते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी आई तो हमने गणेश पर बात की कि भगवान गणेश का क्या महत्व है, हम लोग उस त्यौहार को किस तरह से मनाते हैं, इन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी देखी तो एक इनका जो एक रूटीन है उसमें भी एक नयापन आता है और ये जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। जैसे इन्हें पता है कि ईद मुसलमानों का त्यौहार है, उस दिन सुबह खाई जाती है, स्वतंत्रता दिवस पे हमेशा अभी भी बात करते हैं कि हमने लड्डू खाए थे। तो इस तरह से चीज़ों को संस्कृति के माध्यम से सीख भी रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनकी रुचि बनी हुई है। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा कठिन होता है, कुछ क्लिष्ट होता है तो बच्चों में बोरियत आ जाती है, लेकिन ये त्योहारों के माध्यम से, बीच में हमने फलों के नाम बताया, फिर इनके दैनिक जीवन में जैसे ये सुबह आते हैं स्कूल से आए हैं तो आपने हाथ धोया, खाना खाया, नाश्ता, नाश्ते में आज आपने क्या खाया, तो इन्हें थोड़ा थोड़ा पता रहता है, इसको उपमा कहते हैं। तो हमारे अलावा भी जब दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं तो ये वहाँ पूछते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल पे कुछ मैस में कुछ नया मिलेगा तो ये पूछते हैं कि इसे क्या कहते हैं, ये छोले हैं कि ये कड़ी है, और ये हम लोग से फिर कंफर्म भी करते हैं। कलब भी पूछे सब्जियों के नाम, यहाँ तक कि अनाज वगैरह।
कौन सी दाल भक्ति? हाँ, इनको लाल भाग भी दिखाया, राजवाड़े भी गए थे और महेश्वर ले गए थे इनको, ताकि थोड़ा भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हो और